ये खाली जो भाजपा सरकार कहती है यहाँ पैकेज देगा यहाँ वो ये ऐलान करेगा, ये सिर्फ जो है कागजों तक ही महदूद है। अगर हम ग्राउंड से भी देखें ये कहाँ पर होते हैं, खुशन ट्रांसपोर्ट्स की बात करते हैं या ट्रेड्स के हवाले से बात करते हैं तो काफी नुकसान उठाने करेंगे। देयर शुड बी समथिंग फॉर द ट्रेडर्स एंड एज वेल एज द टूरिज्म एंड द ट्रांसपोर्टर्स, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। उनके लिए कम से कम अगर वो पैकेज नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर उनके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो माफ होना चाहिए। 2019 में पहले आर्टिकल का पहले देखा हमने, वो रिस्ट्रिक्शन थी, उसके बाद कोविड की रिस्ट्रिक्शन आई जिसमें मुझे लगता है बहुत सारा लॉस जो हुआ है वो बिजनेस कम्युनिटी को हुआ है। आपने जब यहाँ वजीर आजम आए उसने ऐलान किया कि 80,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए, वो 80,000 करोड़ का पैकेज जो है वो कहाँ है? यहाँ के गरीबों को दिया उन्होंने, जो भी सियासतदान है वो उन्होंने लिया है, जो इनको अपने है वो उन्होंने लिया है, कश्मीर को कोई फायदा नहीं इससे मिल रहा है। रोज सर हमें बताइए कोविड से कितना नुकसान हुआ यहाँ पे कश्मीर में, विकेट लॉकडाउन है और बजट आया आज तो इसके बारे में जी, जी मेरा नाम उबैद है, आपको मालूम ही होगा ना, तो 2019 से यहाँ पे जो यहाँ का जो बिजनेस सेक्टर है वो ख़त्म हो चुका था, वो ख़त्म हो चुका है अभी तक। अगर आप देखिए 2019 में पहले आर्टिकल का पहले देखा हमने, वो रिस्ट्रिक्शन थी, उसके बाद कोविड की रिस्ट्रिक्शन आई जिसमें मुझे लगता है बहुत सारा लॉस जो हुआ है वो बिजनेस कम्युनिटी को हुआ है। और आज जो हमने बजट देखा मुझे नहीं लगता है कि इससे यहाँ की इकोनॉमी को कुछ फ़र्क पड़ सकता है। अगर इनको कुछ बजट देना, पहले इनको यहाँ की यूथ के लिए कुछ सोचना पड़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे उनके लिए कुछ सोचना पड़ रहा था, और उसके बाद अगर आप उन्होंने आज बजट दिया है इसको चाहिए था इसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है ये फिर से खड़ा हो सकता है। सर कोविड से कितना नुकसान हो रहा है, आज बजट आ रहा है तो उसके बारे में कुछ बताओ, वीकेंड लॉकडाउन हो रहा है रोज रोज, दिन में कितनी प्रॉब्लम हो रही है? देखिए जो ये बजट आया हमें कोई भरोसा नहीं है, इससे पहले भी वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया, तो वो 80,000 करोड़ पैकेज जो है वो कहाँ है? वो यहाँ के सियासतदानों ने लिया है, यहाँ के जितने भी सियासतदान हैं जो भी इनको अपने अपने बंदे हैं उन्होंने लिया है। क्या यहाँ के ट्रेडर्स को कुछ मिला? यहाँ के जो बिजनेस वाले हैं उनको कुछ मिला? यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उनको कुछ मिला? ये खाली जो भाजपा सरकार कहती है यहाँ पैकेज देगा यहाँ वो ये ऐलान करेगा, ये सिर्फ जो है कागजों तक ही महदूद है। अगर हम ग्राउंड से भी देखें ये कहाँ पर होते हैं? आपने जब यहाँ वजीर आजम आए उसने ऐलान किया कि 80,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए, वो 80,000 करोड़ का पैकेज जो है वो कहाँ है? यहाँ के गरीबों को दिया उन्होंने, जो भी सियासतदान है वो उन्होंने लिया है, जो इनको अपने है वो उन्होंने लिया है, कश्मीर को कोई फायदा नहीं इससे मिल रहा है। देखिए कोविड की अगर हम बात करेंगे तो ये अल्लाह ताला का कहर है, इसको हम नहीं बता सकते कि ये सरकार ने किया, अल्लाह ताला का कहर, और जो यहाँ की इंतजामिया ने जो फैसला लिया है कि वीकेंड कर्फ्यू इन्होंने नाफिज किया है, ये वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए क्यों है? जम्मू में क्यों नहीं? आप देखो जम्मू में क्यों नहीं है वीकेंड कर्फ्यू, सिर्फ क्यों कश्मीर में होता है, जम्मू में क्यों नहीं है? यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ये अंदाज करते हैं, जब भी कोविड केसों में इजाफा हो रहा है सबसे पहले यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ये बोलते हैं इनको बंद करें, खाली एजुकेशन सिस्टम में कोविड है, आप यहाँ जितने भी यहाँ गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ जाए किसी के पास मास्क नहीं होता है, कोई सोशल डिस्टेंस का वहाँ नहीं होता है, सिर्फ ये बोलते हैं एजुकेशन ये सिर्फ गवर्नमेंट की जो ये करते हैं ये अपने लिए करते हैं, कश्मीर के जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है क्या मान, देखिए कोविड की जहां बात करते हैं जब से 2020 से जो कोरोना का लॉकडाउन जारी रहा पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, खुशन ट्रांसपोर्ट्स की बात करते हैं या ट्रेड्स के हवाले से बात करते हैं तो काफ़ी नुकसान उठा, लेकिन शाना बशाना हम जो है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से चले, हमें उम्मीद थी कि अब जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के साथ अगर हम चले तो, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया अब हमारे लिए भी सोचेगी, पैकेज के बारे में सोचेगी, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है हमारे उस पैकेज का कोई सोचा नहीं है, क्योंकि एक तरफ से जहाँ इस वक्त माली बजट जो है पार्लियामेंट के सेक्शन में इस वक्त चल रहा है, तो उम्मीद यही हमें है कि आने वाले दिनों में जो है हमारे जो नुकसान काफ़ी हुए हैं 2020 से या 2019 में जो यहाँ पर आर्टिकल टूटा उसके बाद भी काफ़ी नुकसान देखने को मिले, तो हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया जो है वो हमारे जो माली बजट है वो हमारे पेश करे, ताकि जो हमारा पिछला नुकसान है वो फिर से जो है भरपा करे।
रोल। देखिए जो बजट अभी पेश किया गया है उसमें लगता है कि यहाँ पर कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए कोविड से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उससे पहले भी यहाँ पर 2014 से जो फ्लड आया उसके बाद एब्रोगेशन और उसके बाद कोविड लॉकडाउन ने यहाँ पर ट्रेडर्स की कमर तोड़ के रख दी है। उसमें टूरिज्म भी आता है, ट्रांसपोर्टर्स भी आते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर उनके लिए कुछ पैकेज होना चाहिए था। हमें ब्यूटिफिकेशन ऑफ डल के लिए नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पर जो बाकी जो ये बजट में दिया गया है उसमें खुसूसन स्पेशली अगर हम बात करेंगे देयर शुड बी समथिंग फॉर द ट्रेडर्स एंड एज वेल एज द टूरिज्म एंड द ट्रांसपोर्टर्स, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। उनके लिए कम से कम अगर वो पैकेज नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर उनके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो माफ होना चाहिए था। फिलहाल अब बजट आया है उसमें अब अभी तक तो पूरी तरह से हमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, और यहाँ पर बताया जाता है कि डल को भी कुछ दिया गया है, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि यहाँ पर जो हाउस होल्ड आइटम्स जो है, खासकर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पेट्रोल की, पेट्रोल अभी भी 100 से नीचे नहीं जा रहा है। अभी तक अगर देखा जाए बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में तो यहाँ पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल की रेट जो है काफ़ी हाइक है। उसके चलते अगर हम जो बाकी जो आइटम्स है हाउस होल्ड आइटम्स उनमें डायरेक्शन होनी चाहिए था, उनमें स्लैश होना चाहिए था, तभी एक आम इंसान जो है यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता था। नंबर टू, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर जनरेट करने की ज़रूरत है। सर अगर को देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पास्ट मेनी ईयर्स वी हैव यू नो इकोनॉमी इज टोटली शटर्ड, और यहाँ पर कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर में 2014 से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो शटर्ड हुई है। उसके चलते यहाँ पर कई एक प्रोमिसज भी किए गए थे जो बाद में हॉलो साबित हुए, और अभी तक जो पैकेजेस यहाँ पर आए हैं उसमें हमने इससे पहले भी देखा कि जो इन्फ्लुएंशियल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको वो पैकेज दिए गए, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बिलो जो पॉवर्टी लाइन के दुकानदार है या यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिस्ट गाइड्स है, रिक्शा वालास है, उनको कुछ भी नहीं वहाँ पर मिला। तो यहाँ पर कोविड 19 से भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी जो है अभी डिक्लाइन मोड पर चल रही है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो अभी तक अपनी ज़िंदगी जो है मिजरी में गुजार रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ज़रूरी बनता है कि इनको इकोनॉमिक पैकेज देने की ज़रूरत है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।